सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। संजय लीला भंसाली की ड्रीम प्रोजेक्ट पद्मावत फिल्म आखिरकार दर्शकों को दिल जीतने में कामयाब साबित हुई। 25 जनवरी को रिलीज हुई ये फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई दर्ज करवा रही है। शनिवार तक फिल्म की कमाई का आंकड़ा 80 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। फिल्म पद्मावत ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड दर्ज करवा रही है। इस फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया है। यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म पद्मावत को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहली वीकेंड में 100 करोड़ क्लब में एंट्री। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं। ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने शनिवार तक 83 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की देश भर में 4 दिन की कमाई पर नजर डाले तो बुधवार को 5 करोड़, शुक्रवार को 32 करोड़, शनिवार को 27 करोड़। तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म रविवार तक आसानी से 100 करोड़ रुपए की आंकड़े को छू लेगी। कभी बॉक्स को लेकर एक्साइटेड नहीं थी लेकिन इस बार हूँ, दीपिका पादुकोण। फिल्म पद्मावत की बॉक्स ऑफिस सक्सेस को देखते हुए दीपिका ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स को लेकर उतनी उत्साहित नहीं होती थी लेकिन इस बार है। दीपिका ने कहा कि वह फिल्म को लेकर मिल रहे रिस्पॉन्स से गौरवान्वित महसूस कर रही है। विदेशों में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई। फिल्म पद्मावत को विदेशी फैंस का भी खूब प्यार मिल रहा है। यूएस और कनाडा में तो ये फिल्म सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर साबित हुई है। इन देशों में फिल्म ने आमिर खान की फिल्म धूम थ्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूएस और कनाडा में फिल्म की कमाई 1.2 मिलियन डॉलर रही है। विदेशों में गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म के बिजनेस को लेकर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया, इस फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन में 7 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके अलावा फिल्म ने यूके, आयरलैंड में 4 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज करवाई है। ऐसी